हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाकर ले गए। नीरज शर्मा के पहनाव को देखकर पुलिस ने उन्हें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में डिटेन कर लेकर आई थी। नीरज शर्मा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के निमंत्रण पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जैसे ही इस बात का पता चला तो वह भी रेस्ट हाउस पहुंच गए। उन्होंने पुलिस कर्मचारी से पूछा कि आप एमएलए को रोक सकते हो क्या। इसके बाद हुड्डा ने नीरज शर्मा को हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाया। डीएसपी नरेंद्र कादियान ने एसपी अजीत सिंह शेखावत की बात हुड्डा से कराई, जिसके बाद हुड्डा नीरज को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। दरअसल हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का शुक्रवार को झंडा फहराने के कार्यक्रम के बाद रिफाइनरी में एट होम कार्यक्रम है, जिसमें सत्ता पक्ष समेत विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया। इसी सिलसिले में विधायक नीरज शर्मा पानीपत पहुंचे थे। नीरज शर्मा ने अपनी फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा की मांगों को कुर्ते पर छपवाया हुआ है। आज वही कुर्ता पहनकर वह गवर्नर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस पर पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने उन्हें पहनावे को देखकर डिटेन कर लिया था। पहले उन्हें असंध नाके पर ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस नीरज को पकड़कर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस ले आई। इसकी भनक लगते ही हुड्डा गुस्से में रेस्ट हाउस पहुंच गए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नीरज शर्मा को अपने साथ ले गए। इससे पहले शुक्रवार सुबह यही कुर्ता पहनकर नीरज शर्मा फरीदाबाद में गणतंत्र दिवस समारोह में जा रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान नीरज शर्मा की पुलिस कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। नहीं सर, प्लीज सर, सर सर प्लीज नहीं जाएंगे सर, प्लीज ना ना सर, ना प्लीज ना, नहीं ना सर, प्लीज नहीं ना सर, आराम से ना 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 प्लीज ना सर, नहीं ये गलत है। आप 26 जनवरी मनाने से क्या मैं नहीं नहीं रोक रहे सर, नहीं रोक रहे। और किस चीज के लिए रोक रहे हैं आप? नहीं रोक रहे सर, नहीं रोक। और किस चीज के लिए रोक रहे हैं आप मुझे? आप बैठो बैठो, आप सर्किट हाउस से ले लियो। नहीं सर्किट हाउस मैंने क्यों जाना भाई, मुझे सर्किट हाउस की सर एक मिनट रुको, किसका ऑर्डर है इनका? मेरे पास तो एसपी साहब है। एसपी से बात कर रहे हैं। फॉर्मल नहीं है ये, एटोप है एमएलए और एमपीए का, कोई फॉर्मल नहीं है। एमएलए एमएलए कोई बात नहीं, साथ रहे मेरे गवर्नर साहब हमारे भी तरफ। ठीक है, नहीं नहीं इसको पैर के ये मतलब बताने के जयराम जयराम भी कर रहे हैं, पता क्या कर रहे हैं गेट से रोके, कोई बात तो वहां रोक सकते हैं, कोई ऐसी लोगों ने इतराज तो रास्ते में डिटेन कर लिया, डिटेन करना गलत है, बिना आधार के कोई अपराध करोगे? तो नीरज शर्मा तो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है मेरा कत्ल भी करवा देते, इस तरह के आरोप भी जो लगा रहे हैं, ड्रेस हमें या परिवार को रोक दिया गया है। नहीं गलत, मैंने कहा नहीं रख सकते, कोई अपराधी नहीं है ये, विधायक है, इनका अधिकार है। रिफाइनरी में भी रोका गया सर अंदर जाने से? रिफाइनरी में भी अंदर जाने से रोका गया के कार्यक्रम गेट पे रोका गया। वो देखो कोई इनका ये था मतलब वहाँ रोकना एक अलग बात है, कोई अगर कानून व्यवस्था की बात कोई अच्छी बात नहीं थी वो तो, क्योंकि गवर्नर का फंक्शन था, उन्होंने कहा जी एंट्री होनी चाहिए इसकी गवर्नर की, तो उन्होंने कहा ये ग्रेसफुल आदमी, उन्होंने कहा ठीक है भाई कानूनी, लेकिन रास्ते में हिरासत में रहना
ये बिल्कुल गलत बात। आपको लगता है जबरदस्ती की जा रही है सरकार के द्वारा? और क्या हो रही है, सुपरमान क्या जरूरत है? इनको कहा जा सकता था भाई वहाँ जाने, और तो सौ रास्ते हैं, रास्ते में